पूरा महाराष्ट्र कोरोना संकट से जूझ रहा है। मुंबई पर तो महामारी की भयानक मार पड़ी है, मगर इस महामारी के बीच मुंबई के मरीन ड्राइव के पास ये हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एक शख्स हाथ में धारदार दरांती लिए भाग रहा है और वो पुलिस कर्मियों को धमका रहा है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में है। आरोप है कि पेशे से आर्किटेक्ट इस शख्स ने 3 पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स कई दिनों से मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। इन तस्वीरों के बाद अब धारावी की ये तस्वीरें देखिए। अकेले धारावी में कोरोना संक्रमण 800 के पार जा चुका है, बावजूद इसके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त हम धारावी के एरिया से हम गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर करीब 200 से 250 लोग यहाँ पर जमा है। आम को यहाँ पर लेने के लिए देखिए कैसी होड़ है, आम लेने के लिए और खाना लेने के लिए। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालातों पर काबू पाया जा सके इसलिए बीएमसी के नए कमिश्नर इकबाल चहल ने आज धारावी में कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, मेनी ऑफ देम आर वेरी एग्जॉस्टेड राइट नाउ। आई विल स्टैंड बिहाइंड देम लाइक अ रॉक, मेरा पूरा उनको सपोर्ट रहेगा और आई एम गोना बूस्ट देयर मोरल। आप देखिए अगले 2-3 हफ्ते में क्या होने वाला है। कोरोना ने पूरे महाराष्ट्र में दहशत मचा दी है। परेशानी की बात तो ये है कि कोरोना के खिलाफ लोगों की मदद में जुटे पुलिसकर्मी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 714 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 81 पुलिस अधिकारियों को कोरोना संक्रमण हुआ है। 633 पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना से जान गई है। महाराष्ट्र में तो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,000 के पार चला गया है। जाहिर सी बात है कि स्थिति नाजुक है। बेहतर होगा कि ऐसे हालात में लोग घरों से बाहर निकलने से बचें। सौरभ अक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।